अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब। तो हस्बैंड है ना, कल बिज़नेस ट्रिप के सिलसिले में जा रहे हैं मोम्बासा केनिया में। तो बस वही उनकी ना पैकिंग चल रही है, और इनकी पैकिंग में है ना कपड़े से ज़्यादा जो है ना वो सैम्पल्स होते हैं वहाँ पे कस्टमर्स को दिखाने के लिए। इस तरह के देखिए प्लास्टिक के सैम्पल्स, एक सूटकेस भर के सिर्फ सैम्पल्स रहेंगे। जब ये अकेले ट्रैवल करते हैं ना बिज़नेस ट्रिप पे, तो 2 मिनट में इनकी पैकिंग होती है। ज़्यादा सामान ही ले जाते हैं, बस 2 जीन्स, 4 शर्ट, चप्पल रख लिए, नाइट सूट रख लिए, हो गई इनकी पैकिंग। और वही जब औरतें और बच्चे जाते हैं ना, तो फिर इतना सामान और सूटकेस हो जाता है कि पूछिए मत। तो देखिए यहाँ पे इनकी पैकिंग हो गई है, और इस बार है ना ज़ईम भी जा रहा है बिज़नेस ट्रिप पे। ये उसकी फ़र्स्ट बिज़नेस ट्रिप है। अभी जब हस्बैंड निकल जाएंगे ना ट्रिप के लिए, तो मैं ज़ईम की ट्रिप के बारे में बताऊंगी आपको। तो जाने से पहले ना उसको पासपोर्ट वगैरह हैंड ओवर करके जा रहे हैं। ये हो गया है नेक्स्ट डे, और हस्बैंड की जो है ना अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट है। तो अभी ज़ईम जाएगा एयरपोर्ट पे, ड्रॉप करके आएगा ना, उसके बाद वो ख़ुद भी रेडी हो जाएगा, क्योंकि उसकी भी फ़्लाइट आज ही है, वो कतर जा रहा है। एक्चुअली यहाँ पे समर वेकेशन चल रहे हैं ना, तो ज़ईम अपने फादर के ऑफिस में इंटर्नशिप कर रहा है। इंटर्नशिप करने से ना बहुत फ़ायदा होता है बच्चों को, रियल वर्ल्ड में जंप करने से पहले उन्हें आइडिया हो जाती है, एक्सपीरियंस हो जाता है कि किस तरह से जो है ना टाइम मैनेज करना है और ग्रुप वर्क कैसे करना है, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। और ज़ईम अकेला नहीं जा रहा है, जो मेरी नंद का बेटा है ना अम्मार, वो भी हस्बैंड के ऑफिस में ही है ना, तो अभी वो आएगा पिक करने के लिए, वो भी साथ में ही जा रहा है। ठीक है, दुआ पढ़ो। अल्लाह हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ, जिसको आप अपने डेली के कामों में अप्लाई करेंगे ना, तो आपका टाइम और एफर्ट दोनों ही बच जाएगा। तो सबसे पहला हैक है इजीएस्ट वे टू क्लीन स्विच बोर्ड। घर के फर्नीचर्स और बाकी चीज़ें तो हम साफ़ कर लेते हैं, लेकिन स्विच बोर्ड एक ऐसी चीज़ है जो अक्सर निगलेक्ट हो जाता है। तो अगर काफ़ी टाइम से आप साफ़ नहीं करें ना, तो कुछ इस तरह से दिखने लगता है। और इसको साफ़ करने का सबसे आसान तरीका है टूथपेस्ट, वही टूथपेस्ट जो हम अपना टीथ ब्रश करने के लिए यूज़ करते हैं। एक उंगली में थोड़ा सा टूथपेस्ट लेना है, और पूरे स्विच बोर्ड को ना अच्छी तरह से आप कवर कर दीजिए। जहाँ जहाँ भी दाग धब्बे हैं, ग्रीस है, या फिर पेंट का निशान है, सब पे जो है ना इसको लगा दीजिए, और 5 मिनट के लिए बस इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। ये अपना काम करेगा, जब तक जो है ना मैं एक कपड़ा भिगा लूँगी। कपड़े को जो है ना एकदम हल्का सा भिगाना है कि वो बस डैम्प रहे, पानी टपकता हुआ नहीं रहना चाहिए। और 5 मिनट के बाद आप वो स्विच बोर्ड को अच्छी तरह से साफ कर लीजिए। बिना मेहनत के ये स्विच बोर्ड साफ हो जाएगा। हाँ, नेल पॉलिश रिमूवर होता है ना, उससे भी क्लीन हो जाता है, लेकिन हमारे घर में तो कोई नेल पॉलिश लगाता नहीं है, तो रिमूवर भी नहीं मेरे पास। लेकिन टूथपेस्ट एक ऐसी चीज है जो हर घर में होता है, तो फिर स्विच बोर्ड साफ करने के लिए हम अलग से कोई क्लीनर क्यों खरीदें। तो आप भी ये हैक जरूर ट्राई करके देखिएगा, आपका स्विच बोर्ड जो है ना वो एज गुड एज न्यू हो जाएगा। और मैं ना आपको सारे हैक के बाद बिफोर एंड आफ्टर की पिक्चर दिखाऊंगी, ताकि आपको एकदम साफ पता चले डिफरेंस। नेक्स्ट हैक है हाउ टू क्लीन बर्न आयरन इन मिनट्स। किसके किसके घर में स्त्री जल गई है पीछे से मेरी तरह। इसको जो है ना साफ करने का सबसे आसान तरीका जो है वो है पैरासिटामोल। ये ना कॉम्बी फ्लेम है, आप कोई भी पैरासिटामोल ले सकते हैं, और इससे जो है हम स्त्री को मिनट्स में साफ कर लेंगे। ये हैक आप लोगों ने जरूर सुना होगा पहले, लेकिन क्या कभी आपने ट्राई किया है। आज मैं आपको करके बताऊंगी। सबसे पहले जो है ना आप प्लग ऑन कर दीजिए, और जब आप छुएंगे ना तो स्त्री अच्छी खासी गर्म होनी चाहिए, और उसके बाद आप पैरासिटामोल को जो है डायरेक्टली जले हुए पार्ट पे रब करना स्टार्ट करिए। वीडियो में आप देख ही सकते हैं क्या फटाफट से निकल रहा है। बस मेक श्योर करिएगा कि आपकी उंगली ना जल जाए। मेरे पास है ना ट्वीज़र नहीं था, अगर वो रहता है ना तो उससे हम ये टैबलेट पकड़ के साफ़ कर लेंगे, तो उंगली जलने का डर नहीं रहता है। लेकिन मैंने मैनेज कर ली, और मेरी स्त्री देखिए कितनी अच्छी तरह से एकदम साफ़ हो गई थी। अब ये जो कॉर्नर में थोड़ा सा बचा है ना, इसको भी मैं एकदम अच्छे से नीट कर दूंगी। आई एम श्योर आधे से ज़्यादा लोगों के घरों में ना जली हुई आयरन रहती है, और जले हुए आयरन से कपड़ा इस्त्री करना ना बहुत ही रिस्की है, कपड़े जलने का डर रहता है। तो ना इस हैक को आप ट्राई ज़रूर करिएगा, मिनट्स में आपकी इस्त्री एकदम साफ हो जाएगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ, जो है हाउ टू केयर फॉर स्टेनलेस स्टील यूटेंसिल्स। एल्यूमिनियम या स्टेनलेस स्टील के जो बर्तन होते हैं उनको धोना, मतलब हम समझते हैं खाली साबुन से अच्छी तरह आगे पीछे से वॉश कर देना।
ये बर्तन अंदर और बाहर से तो एकदम अच्छे से साफ हो जाते हैं, बट वॉट अबाउट द स्क्रूज? कभी आपने गौर किया है कि ये जो जॉइंट जहाँ पे होता है वो कितना गंदा हो जाता है तेल गिरते गिरते, एकदम जैसे ना मोटा मोटा सा काई जैसा जमा हो जाता है, इतनी ग्रीस हो जाती है। इस जॉइंट को कैसे साफ करना है ये मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। अपने किचन में हम 10 तरह के टूल्स रखे रहते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है ना वो ये है। ये ब्रश मेरे किचन का बेस्ट फ्रेंड है। इसके एक तरफ जो है ना वो ब्रास वायर्स हैं और दूसरी तरफ नायलॉन। स्टेनलेस स्टील के स्क्रबर से हम बर्तन मांजते हैं तो उसकी इतनी अच्छी ग्रिप नहीं होती है और वो कोने कोने तक पहुंच भी नहीं सकता है, तो टाइम भी ज़्यादा लगता है, मेहनत भी ज़्यादा लगती है। लेकिन इस ब्रश का जो ग्रिप है ना वो बहुत अच्छा है और इसका जो ब्रास वायर्स है ना वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। अब मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, डिफरेंस आप खुद देख सकते हैं, एक साफ़ किया हुआ है और एक बिना साफ़ किया हुआ। जैसे एक स्क्रू चमक रहा है वैसे ही अब मैं सारे चमका दूंगी। और ये सिर्फ कढ़ाई के लिए ही नहीं है, जो बघार वाला चम्मच होता है ना उसमें भी आप देखेंगे घी के डिपॉजिट्स जमा हो जाते हैं, तो इसको भी है ना इसी ब्रश से हम साफ़ कर सकते हैं। आप बर्तन को कितना भी चमका के रखिए लेकिन अगर उसका एक कोना भी गंदा है ना तो पूरे बर्तन का शो चला जाता है, ऐसा लगता है बर्तन कितना पुराना और गंदा है। और देखिए ब्रश से साफ़ करने के बाद ये जॉइंट्स भी एकदम क्लीन हो गए हैं, एकदम जैसा लग रहा है नया बघार का चम्मच। तो मेरा तो यही सजेशन है कि अगर आपको किसी अच्छे टूल में इन्वेस्ट करना है तो आप ये ब्रश ज़रूर खरीदिए, ये बर्तन के कोने कोने को चमका देता है। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जो है फास्ट एंड इजी मेथड ऑफ क्लीनिंग कोरिएंडर लीव्स। धनिया की पत्ती एक ऐसी चीज़ है जो ऑलमोस्ट सारे ही लोग यूज़ करते हैं, इंडियन, पाकिस्तानी या कोई भी। और जब हम ग्रॉसरी करने जाते हैं तो 2-3 बंडल लेके आ जाते हैं मार्केट से। अब हम जब इसको साफ़ करने बैठते हैं तो बड़ा टाइम लग जाता है, एक एक डंठल उठा उठा के उसमें से लीव्स तोड़ तोड़ के अलग रखते हैं। लेकिन सबसे इजी और फास्ट मेथड जो है वो मैं आप लोग के साथ आज शेयर करूँगी। सबसे पहले ना खोल के देख लीजिए कि इसके अंदर कोई ख़राब लीव्स हैं तो उसको अलग कर दीजिए, जैसे थोड़ी कोई पीली पड़ गई हो या फिर कोई काली है तो उसको जो है ना आप हटा दीजिए। तो यहाँ पे मैंने धनिया की पत्ती साफ़ कर दी हूँ। अब जो है ना नीचे से लेवल करके इसका जो रूट है ना वो थोड़ा सा आप काट के नीचे से निकाल दीजिए। धनिया की पत्ती में जो नीचे की तरफ की डंठल होती है ना वो काफ़ी मोटी होती है, तो इसको हम गार्निशिंग के लिए यूज़ नहीं करते हैं। तो ना जहाँ से ये मोटी मोटी डंठल स्टार्ट होती है ना वहाँ पर आप इसको काट दीजिए। ऊपर की तरफ वाला जो लीव्स का हिस्सा है उसमें बहुत ही बारीक बारीक डंठल होती है और इन दोनों ही चीज़ों को हम अलग अलग जगह पे यूज़ करेंगे। तो जो आपने ये मोटा वाला हिस्सा काटा है ना डंठल का, इसको आप एक टिश्यू पेपर में रख के अच्छी तरह से लपेट दीजिए। इसमें जो मॉइस्चर है वो टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा तो ना ये ख़राब भी नहीं होगा। और आप इसको जो है किसी ग्रेवी में यूज़ कर सकते हैं या फिर इडली डोसा बना रहे हैं तो चटनी वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये डंठल बहुत काम आती है, इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी और ग्रीन भी बनती है। मेरे घर में तो हर सैटरडे संडे नाश्ते में गुजिया बनती है, तो गुजिया के साथ तो चटनी मस्ट है। तो इसी डंठल से जो है ना मैं चटनी बना देती हूँ। और ये जो लीव्स है ना इनको भी प्रॉपरली स्टोर करना बहुत ज़रूरी है। इसको जो है ना मैं रखती हूँ एक क्रिस्पर ट्रे में। ये वाली जो ट्रे है ना अमेज़ोन पे भी अवेलेबल है, मैंने तो लोकल शॉप से ली थी। इसमें जो एक्स्ट्रा पानी वगैरह होता है ना वो नीचे गिर जाता है, तो ये धनिया की पत्ती ख़राब नहीं होती है। अब जब भी हमें किसी ग्रेवी में धनिया की पत्ती डालना है गार्निशिंग के लिए तो वो एकदम साफ़ की हुई रेडी है, बस धुल के बारीक बारीक काट के डाल दीजिए। देखिए पता ही नहीं चलेगा कि इसमें डंठल भी है। तो इस तरह से ना हम अपना टाइम और एफर्ट दोनों ही बचा सकते हैं और जो आपके पास टाइम बचा है ना उसको आप कहीं और यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसे कहते हैं एक तीर से दो निशान। तो ये ट्रिक आप लोग भी ज़रूर अपनाइएगा नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टिप इज़ बेस्ट वे टू क्लीन स्टेनलेस स्टील कुकवेयर। कई बार ऐसा होता है कि हम तेज़ आंच पे खाना चढ़ा के चले जाते हैं और वो बर्तन जल जाता है। सबसे आसान तरीका आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जले हुए बर्तन को साफ़ करने का। सबसे पहले आप देखिए कि बर्तन जो है ना वो गर्म है कि नहीं। अगर बर्तन ठंडा हो गया है तो आप उसको जो है गैस पे रख के थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, इतना गर्म कि आप हाथ से छुए ना तो थोड़ा सा आपको चटका लगे, इतना भी गर्म ना हो कि आपका हाथ जल जाए। अब बस उस बर्तन में जो है आप पानी डाल के डिश वॉशिंग लिक्विड डालिए और स्टेनलेस स्टील स्क्रबर से आप उसको रब करिए।
विद इन नो टाइम आप देखेंगे कि बर्तन कितने आसानी से साफ हो गया है। कितने सारे लोगों को ये ट्रिक पता नहीं होती है और उन लोग जो है पानी भर के बर्तन को सोक करते हैं, फिर उसके बाद धुलते हैं, हाथ भी एकदम दुख जाता है। लेकिन एक बार आप ऐसा करिएगा, जल गया अगर बर्तन तो उसको गर्म करके फिर उसके बाद उसको वॉश करिएगा। ना भिगाने की ज़रूरत और ना ही मांजने की। देखिए चमकता हुआ बर्तन। Hi guys, my Crocs arrived. पहन के दिखाओ। फलक की डेली वेयर वाली जो चप्पल है ना वो टूट गई थी, तो ऑनलाइन हस्बैंड से बोल के उसने ये मंगवाई है। मैं उससे कह रही थी कि तुम कोई अच्छी स्टाइलिश चप्पल ले लो, लड़कियों की तो कितनी अच्छी अच्छी चप्पल मिलती हैं, लेकिन जो है उसको ज़ईम और अफ़ान की तरह से क्रॉक्स चाहिए था। तो अभी यही जस्ट डिलीवरी हुई है तो वो पहन के देख रही थी। थोड़ी लड़की वाली चप्पल ले ली होती। इट्स कम्फर्टेबल अम्मा। नेक्स्ट टिप है शाइन कॉपर यूटेंसिल्स विथ ईज। कितनों के घर में कॉपर के बर्तन होते हैं जो कि हम लोग अपने नॉर्मल जो बर्तन धोने वाला साबुन है ना उसी से साफ कर देते हैं, तो देखिए कुछ ऐसी हालत हो जाती है। तो इसको जो है ना साफ करने का सबसे आसान तरीका है केचप। जी हाँ, सही सुना आपने, केचप। सिर्फ केचप और लेमन से हम इस कॉपर के बर्तन की शाइन वापस ला सकते हैं। केचप में जो मेन इंग्रेडिएंट्स है ना वो होता है टोमेटो, विनेगर और सिट्रिक एसिड, जो कि सारे के सारे एसिडिक होते हैं, और इससे जो है हम अपने कॉपर के यूटेंसिल्स को एकदम अच्छी तरह से चमका सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे थोड़ा सा रब करने पे ही कॉपर के बर्तन की शाइन वापस आ गई है। कॉपर के बर्तन को आप पीताम्बरी सोप से भी क्लीन कर सकते हैं, लेकिन जब आपके पास केचप रखा हुआ है तो फिर आपको अलग से पीताम्बरी सोप खरीदने की क्या ज़रूरत है। ये वाला ग्लास जो है ना एक्चुअली काफ़ी पुराना है और मैं इसको ना डिशवॉशिंग लिक्विड से ही धो देती थी, इसलिए ये थोड़ा सा काला ज़्यादा हो गया है, तो मैं थोड़ा सा इसको स्टील स्क्रबर से भी मांज दूंगी। अगर आप इसको एवरी वीक सिर्फ केचप और लेमन से ही धोएंगे ना तो आपको ये स्टील का स्क्रबर लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और केचप के सैशेज तो बर्गर के साथ मिलते हैं, यहाँ वहाँ पड़े रहते हैं, तो उसको फेंकने से अच्छा है कि हम उससे जो है ग्लास धो दें। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से एकदम चमक गया है, जैसे एकदम नया। अंदर की तरफ है ना मैं थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई नहीं कर पा रही थी इसलिए थोड़ा थोड़ा सा दाग है, लेकिन बाकी देखिए एकदम चमक के एकदम नया नया लग रहा है। तो नेक्स्ट टाइम जो है ना आप भी केचप के सैशेज मत फेंकिएगा, उससे अपने कॉपर के बर्तन को साफ कर दीजिएगा। How to make stainless steel utensils look new again? कई बार ऐसा होता है ना कि स्टेनलेस स्टील के बर्तन में पकाते पकाते एक टाइम आता है जब उस बर्तन की शाइन ही चली जाती है, एकदम जान ही नहीं रहती है उस बर्तन में, पीला पीला सा लगने लगता है। ऐसे बर्तनों में जान लाने के लिए ये वाइट सोप जो है वो बहुत यूज़फुल होता है। आप लोगों ने कई बार पूछा भी था मुझसे कि आप अपने बर्तन को इतना चमका के कैसे रखती हैं, तो यही है मेरे चमके हुए बर्तन का सीक्रेट, ये वाइट सोप। और ये देखिए कुछ इस तरह से ये रहता है, और इसको जो है ना थोड़ा सा निकाल के बस आप इसको बर्तन पे डाल दीजिए, और जैसे हम लोग नॉर्मल धोते हैं स्टील के स्क्रबर से, बस वैसे ही धो दीजिए। जो काला साबुन आता था ना बॉम्बे में पहले, ये वैसे ही है, बस ये वाइट है। इसका फ़ायदा ये है कि इसमें खुशबू भी है और इससे जो है नाखून भी ख़राब नहीं होता है, लेकिन इससे बर्तन जो है ना वो ज़बरदस्त चमक जाते हैं। और ये सिर्फ स्टेनलेस स्टील बर्तन के लिए नहीं है, जो एल्युमिनियम के बर्तन होते हैं ना वो भी इससे एकदम चमक जाते हैं। अब बर्तनों को चमकाना है तब तो देखना ही पड़ेगा ना कि क्या चीज़ किस बर्तन के लिए इफ़ेक्टिव होती है। ये देखिए कितनी अच्छी शाइन आ गई है, एकदम चमक गया है। बिफ़ोर और आफ्टर की पिक्चर आप देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये सोप जो है ना मुंबई से मेरी फ्रेंड भेजती है मेरे लिए, और ये उसका एड्रेस है, मुझे पता नहीं कि ऑनलाइन मिलता है कि नहीं, एक्मेटिक्स नाम है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नो मोर मेस ऑफ बेडशीट्स इन द कबर्ड। कई बार ऐसा होता है कि मैं फलक से बोलती हूँ फलक वो वाली बेडशीट लेके आओ, तो फलक को कभी बेडशीट मिलेगी तो उसका पिलो कवर नहीं मिलेगा, या पिलो कवर मिलेगा तो एक ही मिलेगा और बाकी जो है वो कहीं गुम हो गया होता है। तो इस परेशानी का सबसे आसान तरीका मैंने निकाल ली हूँ। बेडशीट को हम नॉर्मली जैसे फोल्ड करते हैं ना, पहले हाफ़ करके फिर उसके बाद और हाफ़ करना है, बस इसी तरह से हम जैसे नॉर्मली फोल्ड करते हैं वैसे फोल्ड कर दीजिए। अब जो पिलो कवर है उसको जो है अंदर खोल के डाल दीजिए एक पिलो कवर को, और जो दूसरा पिलो कवर है उसको आप उल्टा कर दीजिए,
और उसके बाद जो हम लोग ने ये बेडशीट फोल्ड करके रखे थे वो आप इस उल्टे पिलो कवर में डाल दीजिए। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि ये कितना बोरिंग मेथड है, लेकिन एक बार आप करेंगे, आदत हो जाएगी ना, तो बहुत ही आपको आसान लगेगा। अब जो है ना, पिलो कवर को आप फोल्ड करिए और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना जिसको हम मोड़ते हैं उसको आप पीछे की तरफ मोड़ दीजिए और ये देखिए कितनी नीट लुक है बेडशीट की। कितना भी पटकेंगे बेडशीट जो है वो खुलने वाली नहीं है, और इस तरह से फोल्ड करने से पिलो कवर भी गुम नहीं होगा, बच्चे बच्चे को मिल जाएगा। तो ये ट्रिक ज़रूर ट्राई करिएगा। नेक्स्ट टिप है हाउ टू कुक फूड इन स्टेनलेस स्टील यूटेंसिल सो दैट इट डजंट बर्न। मेरी सास कह रही थी कि स्टेनलेस स्टील के बर्तन में हम लोग नहीं पकाते क्योंकि उसमें खाना चिपक जाता है, लेकिन कई लोगों को ना इसका सही तरीका नहीं पता है कि कैसे यूज़ करना है, आज हम देखेंगे। बर्तन को गर्म करिए और पानी के छींटे मारिए। अगर पानी गायब हो गया इसका मतलब बर्तन अभी रेडी नहीं है। दोबारा गर्म करके पानी के छींटे मारिए। पानी गायब हो गया इसका मतलब बर्तन रेडी नहीं है। फिर से हम गर्म करेंगे और फिर से पानी के छींटे मारेंगे। अगर पानी जो है ना वो बॉल्स बन के डांस करने लगा इसका मतलब कि अब हमारा बर्तन बिल्कुल रेडी है पकाने के लिए। इस टाइम पे अगर हम तेल डालेंगे ना तो खाना बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और आपका जो स्टेनलेस स्टील का बर्तन है वो एकदम नॉनस्टिक बन जाएगा। तो बस सही तरीका पता होना चाहिए कि किस टाइम पे तेल डालना है। ठंडी कढ़ाई पे अगर हम तेल डाल देंगे तो ज़रूर चिपकेगा। और स्टेनलेस स्टील का जो बर्तन है ना वो हमेशा ट्राईप्लाई का लीजिए, तो फिर जो है खाना बिल्कुल भी नहीं जलेगा। देखिए अब आप इसमें मसाला भूनिए चाहे चिकन भूनिए, एकदम परफेक्टली कुक होगा। मैं तो स्टेनलेस स्टील के ट्राईप्लाई वाले पैन में पैनकेक भी बनाती हूँ, इतना अच्छा बनता है, बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। तो ये जो छोटी छोटी टिप्स और हैक्स हैं ना, ये सारी होम मेकर को ज़रूर पता होना चाहिए ताकि हम इसे अपने डे टू डे लाइफ में अप्लाई करें और इसका फ़ायदा उठाएं। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा। So are you so bad? This is why we need a new big family car. Settle हो गए? Yep. Okay. शाम में है ना मेरा भाई आया था और अपने दोनों बच्चों को यहाँ छोड़ के गया है 2 दिन के लिए, तो हस्बैंड भी नहीं है, तो मैं सोच रही थी कि बच्चों को ले जाऊँ कहीं बाहर घुमाने के लिए। समर वेकेशंस भी चल रही हैं। तो मेरे घर के नज़दीक है ना एक मॉल है, स्पोर्ट्स सोसाइटी नाम है, बहुत नया तो नहीं बोलूँगी लेकिन हाँ बहुत पुराना भी नहीं है। मैं वहीं पे आ गई थी बच्चों को लेके, मतलब हार्डली 5 मिनट्स लगा मेरे घर से। और क्योंकि ये नया नया खुला है ना तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं। तो बच्चे यहाँ पे है ना मेनली आए थे आइस स्केटिंग के लिए। मॉल ऑफ द एमिरेट्स में भी आइस स्केटिंग है लेकिन वो काफ़ी कॉस्टली है और ये बहुत रीज़नेबल है। मॉल ऑफ द एमिरेट्स में एक बच्चे का जो प्राइस है ना, यहाँ पे आपके 2 बच्चे आ जाएंगे। प्लस ज़ईम के पास है ना कुछ कूपन रखा था यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को जो मिलता है फ़ज़ा कार्ड पे, तो वो कूपन हम लोग ने अप्लाई किया तो अच्छा खासा डिस्काउंट मिल गया था। तो हम लोग बस टिकट वगैरह ले लिए और उसके बाद है ना यहाँ पे हम लोगों को अलग शूज़ लेना होता है आइस स्केटिंग में पहनने के लिए अंदर, तो बस बच्चों ने अपनी अपनी साइज़ ले ली है। और अब इन लोग एंटर कर रहे हैं अंदर आइस स्केटिंग में। फलक और अलीज़ा तो अच्छा कर ले रहे हैं स्केट, और अफ़ान को भी थोड़ी बहुत आती ही है, पहले करता था, अब उसकी प्रैक्टिस छूट गई है ना तो थोड़ा सा स्लो हो गया है। आयस को थोड़ा मुश्किल लग रहा था मेरे भाई के बेटे को, तो उसको हम लोग ने ना सपोर्ट के लिए एक पेंगुइन दिला दिए थे। तो स्लो स्लो चला है। हाँ ठीक है, व्हाट हैपेंड? आयस क्या बोल रहे हैं? नथिंग, ही जस्ट सेइंग आरिफ को भी मान ले, चलो ओके लेट्स गो।
ये देखने में बहुत इजी लगता है लेकिन है ना आइस पे बैलेंस करना बहुत मुश्किल है। फिर भी देखिए यहाँ पे कुछ लोग कितना अच्छा कर रहे हैं एकदम प्रोफेशनल्स की तरह। और यहाँ पे देखिए आयज और आरिस दोनों ही मगन है अपने सपोर्ट वाली पेंगुइन को लेके। तो फिर ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ मैं आपसे न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। Oh,